हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल डिस्कस अ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10। इट इज माय सेवेंथ वीडियो इन दिस चैप्टर। अंडर दिस वीडियो आई विल डिस्कस टाइप 5 क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड, मींस जो टाइप 5 का आज हम लोग क्वेश्चन लिए हैं वो इलिमिनेशन मेथड से है। इलिमिनेशन मेथड से मैंने एक और वीडियो बनाया है जो वीडियो नंबर 6 था, जिसमें मैंने दो क्वेश्चन डील किए थे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का वीडियो भी हम लोग का इलिमिनेशन मेथड से कवर करेगा। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाया इस चैप्टर से, जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड अभी चल रहा है। जो तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिया है आज, वो तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 6 टाइम्स पूछे गए, मींस 6 टाइम्स पूछे गए, 6 बार सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए। और जो सेकेंड क्वेश्चन लिया वो सीबीएसई बोर्ड में 4 टाइम्स पूछे गए हैं और ये ऑल्सो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। और ये जो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसमें 1 टाइम पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इन तीनों क्वेश्चन का जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए। और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग डील करेंगे, ये 6 टाइम पूछे गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इलिमिनेशन मेथड का मैंने पिछले वीडियो में 3 स्टेप बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो भी एक्स और वाई जो भी वेरिएबल दिए गए रहेंगे उसका कोफिशिएंट को पहले हम लोग इक्वल करेंगे, जिससे हम लोग इलिमिनेट करना चाहते हैं। एक्स को करना चाहते हैं तो एक्स के कोफिशिएंट को सेम करेंगे इंटू करके मल्टीप्लाई करके, और अगर वाई का करना चाहते हैं तो वाई का करेंगे। और सेकेंड स्टेप था क्या कि हम लोग जो अपोजिट साइन रहेगा तब तो हम लोग ऐड कर देंगे, अगर सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और थर्ड स्टेप था कि जो एक्स या वाई का जो भी फर्स्ट में वैल्यू आएगा, मींस एक्स का वैल्यू जैसे आया है फर्स्ट में तो हम लोग पुट करके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 3 स्टेप है इलिमिनेशन मेथड के। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले ये फ्रैक्शनल टर्म में, तो पहले मैं इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आता हूँ। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एलसीएम लेंगे जब हम लोग, तो ये ए बी आ जाएगा और इनटू ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और माइनस, और ये बी से बी का जो बी इनटू बी हो जाएगा तो बी स्क्वायर वाई आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। एलसीएम ले लिया हम लोग, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 1 से जो इंटू होगा वो सेम इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और यहाँ ए बी सी इंटू करना है तो मीन्स ए प्लस बी को ए बी सी इंटू करना है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेंगे, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए, ए स्क्वायर और बी भी था तो ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस ए इंटू बी ए बी हो गया, और ए इंटू बी ए बी और बी इंटू बी मीन्स बी स्क्वायर, मीन्स ए से जब किए तो ए हो गया और बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो गया। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन तो एकदम इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये इसी तरह सेम उतार देंगे हम लोग, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लिए। तो हम लोग यहाँ पर y जो वेरिएबल दिया गया है उसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर b स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ पर b दिख रहा होगा, तो मीन्स यहाँ b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो मीन्स इस इक्वेशन को हम लोग को b से इंटू करना पड़ेगा और ये इक्वेशन को सिर्फ 1 से इंटू करना पड़ेगा ताकि ये सेम रह जाए। तो हम लोग मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1 एंड इक्वेशन 2/b,
तो इक्वेशन वन को हम लोग कर रहे हैं वन से इंटू, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी होल स्क्वायर, और यहां पर ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी। तो यहां पर इंटू कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को वन से इंटू कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को बी से इंटू कर रहे हैं, तो हम लोग यहां इंटू करके लिख देते हैं, वन से इंटू होगा तो सेम इट इज लिखा जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी बी का स्क्वायर, और यहां पर बी से इंटू करना है मीन्स ए इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा ए बी एक्स, और यहां पर बी इंटू बी तो माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और यहां पर टू ए है और बी इंटू बी तो बी स्क्वायर हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर। तो यहां तक हम लोग इंटू कर लिए, तो इसे हम लोग इक्वेशन यहाँ पर हम लोग इक्वेशन माने तो इसे वन से इंटू किए थे तो यही इक्वेशन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इसे हम लोग बी से इंटू किए थे तो ये इक्वेशन चेंज कर दिया, तो इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया, मीन्स कोएफिशिएंट को इक्वल कर लिए, सेकेंड स्टेप था अगर साइन अपोजिट रहे तब तो ऐड करके काट लेंगे एलिमिनेट कर लेंगे, और साइन इक्वल रहा तो हम लोग मीन साइन सेम रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड, तो लिख लेते हैं हम लोग इक्वेशन वन को, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर, और यहां पर दूसरा इक्वेशन जो है ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो यहां पर मैंने बताया था कि साइन चेंज होगा सब्ट्रैक्ट के वक्त में, तो यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव, यहां पर प्लस बी स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर वाई इलिमिनेट हो जाएगा मीन्स वाई का टर्म, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बच गया उसे हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बच गया उसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा होगा कि ए दोनों जगह और एक्स दोनों जगह मीन्स कॉमन निकल सकता है, तो हम लोग यहाँ पर ए कॉमन निकाल लें और एक्स कॉमन निकाल लें, तो यहाँ क्या बच गया ए, और यहाँ से हम लोग ए को निकाल चुके हैं और एक्स को निकाल चुके हैं, तो बच गया बी ए माइनस बी, और यहाँ पर देख लेते हैं ए स्क्वायर बी सेम इट इज लिखा जाएगा ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर बच जाएगा, यहां तक क्लियर, और यहां पर ए इंटू एक्स और ए माइनस बी है इज इक्वल टू, यहां पर भी ए दोनों जगह तो ए कॉमन निकाल लिए और बी भी दोनों जगह तो बी भी कॉमन निकाल लिए, तो यहां पर बच गया ए, एक ए निकाले थे तो एक ए बच गया, बी तो निकल चुका और माइनस का माइनस और ए निकाले थे वो निकल चुका है, और यहां बच गया बी मीन्स ए माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ भी a माइनस बी यहाँ भी है, तो इसे जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ बच गया ए एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से a a कैंसिल हो जाएगा, तो x का क्या निकल गया वैल्यू x इज इक्वल टू b, x का वैल्यू b निकल गया। अब हम लोग x का वैल्यू है जो या तो इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, और यहां से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन टू ज्यादा इजी नजर आ रहा है, तो हम लोग इक्वेशन टू में पुट करेंगे, x का वैल्यू हम लोग को b आ गया और देन y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो पुटिंग
x is equal to b in equation second. कोई भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके हम लोग y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. तो सेकंड इक्वेशन है क्या, ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab. सेकंड इक्वेशन ये था और x का वैल्यू b मिल गया, तो मींस यहाँ पर b पुट कर देंगे, माइनस by इज इक्वल टू 2ab. और यहाँ पर हो जाएगा ab माइनस by इज इक्वल टू 2ab. अब यहाँ पर माइनस बी वाई का माइनस बी वाई रहने देंगे और प्लस ए बी को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, तो टू ए बी माइनस ए बी हो जाएगा. तो यहाँ से बच जाएगा माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, में से 1ab माइनस होगा तो ab बच जाएगा सिर्फ. और यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर b और b कैंसल है और ये माइनस राइट साइड ले चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए. तो यहाँ पर हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया माइनस ए और x का वैल्यू मिल गया b. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 6 टाइम्स पूछे गए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे सेम इसी मेथड से. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये 4 times पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में. तो हम लोग लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को. सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा. तो सेकंड क्वेश्चन को पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी into y is equal to a square minus 2ab minus b square. और second क्या है, a plus b into x plus y is equal to a square plus b square. ये second question है, NCERT का भी question है और 4 times पूछे गए हैं CBSE board में. तो हम लोग इसको rearrange कर लेंगे solution. फर्स्ट इक्वेशन तो एकदम रीअरेंज है, तो उसे सेम इट इज लिख देते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर. तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 7050523391. और ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इंटू कर लेते हैं. तो यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर x प्लस y दोनों इंटू में, तो पहले ये x से इंटू होगा देन हम लोग y से इंटू करेंगे. तो x से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स और y से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू वाई. x से इंटू किए तो ये x इंटू ए प्लस बी आ गया और फिर y से इंटू किए तो y प्लस a प्लस बी आ गया और जो राइट साइड था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम लिखा जाएगा. ये इक्वेशन टू. यहां पर देख रहे हैं कि हम लोगों का फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट है, मींस वाई का देख रहे हैं कोएफिशिएंट एकदम सेम है. मींस फर्स्ट स्टेप तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना नहीं है क्योंकि यहां पर एकदम कोएफिशिएंट है जो वाई का वो एकदम सेम है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. Subtracting equation 1 and equation 2, we get, subtract करें हम लोग equation 1 से equation 2 को. तो a minus b है सेम into x plus a plus b into y is equal to a स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर. सेम इट इज इसी तरह लिखा जाएगा. देन सेकेंड वाली इक्वेशन को भी हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम लोग सबट्रैक्ट करें तो सबट्रैक्ट करने का रूल था कि जो भी यहां पर साइन होता है उसका
अपोजिट साइन आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव a प्लस बी इंटू वाई और प्लस a प्लस बी इंटू वाई कैंसल, मीन्स y का टर्म में जो इलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो बच गया उसे हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस साइन हो गया है सभी का, तो माइनस यहाँ पर ब्रैकेट देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इंटू कर लेंगे तो एक्स से इंटू होगा तो ए एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स, और ये माइनस, यहाँ पर माइनस को भी इंटू करना है तो एक्स से इंटू होगा तो ए एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और बी इंटू एक्स तो बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन चेंजिंग होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे टर्म कट रहे हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस में और माइनस ए एक्स, यहाँ पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, और इधर से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, जो बचे हुए टर्म है उसे हम लोग लिख लेते हैं माइनस बी एक्स और माइनस बी एक्स, मीन्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू, और इधर क्या बच गया माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी बच गया, और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस टू बी स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहां से एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, तो क्या आ गया इधर माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, यहां तक क्लियर। यहां पर माइनस टू बी एक्स सेम लिखेंगे जैसा है वैसा, और यहां पर दिख रहा होगा कि माइनस टू 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 और बी बी कॉमन है, तो यहां से माइनस कॉमन लिए पहले, फिर टू कॉमन लिए, और फिर बी कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया a बच गया, तो a लिख देते हैं, और जब हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया तभी तो, और यहाँ पर क्या बच गया b, तभी हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे जब तो ये ऊपर वाले के सेम आना चाहिए। यहाँ पर माइनस कॉमन लेते समय बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि हाँ यहाँ माइनस ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा जब हम लोग माइनस कॉमन लिए तो माइनस टू ए बी आ जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ प्लस माइनस माइनस टू बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस टू माइनस माइनस पहले कैंसिल, टू टू कैंसिल, और बी बी कैंसिल, मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया ए प्लस बी, एक्स का वैल्यू आ गया ए प्लस बी। देन हम लोग थर्ड स्टेप था कि पुट करेंगे एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन वन में या तो इक्वेशन टू में, और यहां से वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग इक्वेशन टू में पुट करते हैं। इक्वेशन टू क्या है ये, इक्वेशन टू में हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहां पर है ए प्लस बी, तो ये इक्वेशन टू लिखा हुआ है तो इसी पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी है और एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, तो यहां पर x में a प्लस बी आ गया प्लस, और यहां पर जो है उसे सेम इट इज लिख देंगे a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक के लिए। यहां पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये इंटू, और ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी स्क्वायर इधर पॉजिटिव में लेफ्ट साइड, जब हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो हम लोग ले जाते हैं यहां पर जो बच गया उसे लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। तो यहाँ पर a प्लस बी
इनटू वाई है तो वाई को सेम इसी तरह रहने देंगे जो इधर वाले टर्म है। इधर वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर तो है प्लस बी स्क्वायर तो है और यहाँ पर माइनस है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन चेंजिंग होगा, तो यहाँ पर जो है वो सेम इट इज ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस टू ए बी। साइन चेंजिंग भी हो गया, अब जो यहाँ पर देख रहे हैं कट रहे हैं उसे हम लोग काट देते हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर कैंसल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसल। अब जो बच गया टर्म, जो बच गया टर्म एक्स क्या आया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते पहले एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, जो बच गया टर्म उसे हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या बच गया a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस टू ए बी, और कोई भी टर्म नहीं बचा है यहाँ पर, तो a प्लस बी यहाँ पर इंटू में है, जब हम लोग को y का वैल्यू चाहिए तो हम लोग a प्लस बी को राइट साइड भेजेंगे तो वो क्या आ जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू ए बी डिविडेड डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये आ गया y का वैल्यू और ये है x का वैल्यू। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसका जो मैंने सॉल्यूशन करके दिखाया, और ये सीबीएसई बोर्ड में 4 times पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन बच गया सीबीएसई बोर्ड में, ये 1 time पूछा गया है पर अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी मैथड से, इलिमिनेशन मैथड, और इलिमिनेशन मैथड से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये है 3rd question, इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन पहले राइट कर लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, तो देन डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ny इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, देन दूसरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लिए, दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे, या तो अगर हम लोग को जिसे इलिमिनेट करना है उसका कोफिशियंट को हम लोग को सेम लाना पड़ेगा, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, तो यहाँ पर हम लोग x का भी कोफिशियंट है सेम ला सकते हैं और y का भी कोफिशियंट सेम ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सेम किसके लाने में फायदा होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को y का जो कोफिशियंट है उससे सेम लाने में फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस मीन्स अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस फिनिश हो जाएगा, या तो कह सकते हैं कि y का टर्म है जो इलिमिनेट कर जाएगा और हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर y है और यहाँ पर एन वाई है, तो हम लोग इस इक्वेशन को 1 से इंटू कर देंगे तो ये सेम रह जाएगा, और इस इक्वेशन को n से इंटू करेंगे तभी तो यहाँ पर एन वाई आएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 एंड इक्वेशन 2 by n, तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं mx minus ny is equal to m square plus n square, सेकेंड इक्वेशन x, अब हम लोग n से इंटू करना है ना, तो n से इंटू करना है तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं x plus y is equal to 2n, तो यहाँ पर इंटू होगा, यहाँ पर 1 से इंटू होगा, यहाँ पर n से इंटू होगा, तो m 1 से इंटू जब होगा तो सेम इट इज वही रह जाएगा mx minus ny is equal to m square plus n square, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने थे, 1 से इंटू हुआ तो वही रह जाएगा, तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ही माने। अब हम लोग n से इंटू करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा mx प्लस
यहां पर n इंटू वाई एन वाई और यहां पर 2m इंटू एन। तो इसे हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, सेकेंड तो हम लोग मान लिए हैं, तो इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थर्ड, ऐड कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन वन को और इक्वेशन थर्ड को। इक्वेशन वन क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इक्वेशन वन है। और इक्वेशन थर्ड क्या है, एन इंटू एक्स एन एक्स प्लस एन इंटू वाई एन वाई इज इक्वल टू टू एम इंटू एन। ऐड कर रहे हैं तो कोई भी साइन चेंजिंग नहीं होगा, जो साइन है बस वही रह जाएगा। तो यहां पर प्लस एन वाई और माइनस एन वाई कैंसल, यहां पर वाई का टर्म इलिमिनेट हो गया। इलिमिनेट करना मींस हटा देना, तो यहां पर जो बच गया उसे हम लोग लिख लेते हैं एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू जो ऊपर वाले टर्म बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन टू एम इंटू एन। यहां से हम लोग को एक्स का टर्म में जो कॉमन दिख रहा है तो एक्स हम लोग बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया एम प्लस एन इज इक्वल टू, और यहां पर जो बच गया उसे यहां पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहां मैं फॉर्मूला लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर दिख रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m इनटू n, तो मींस ये m प्लस n का होल स्क्वायर होगा। यहां तक क्लियर, जब हम लोग m प्लस n ये राइट लेफ्ट साइड है, जब हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा तो स्क्वायर खत्म। तो यहां पर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू एम प्लस एन, तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया m प्लस एन। देन हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग को यहां से मिल जाएगा, तो हम लोग पुट कर लेते हैं। और ये थर्ड और लास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप भी हम लोग कर लिए ऐड कर लिए थे, और फर्स्ट स्टेप में था कि कोएफिशिएंट को इक्वल करना था, सेकेंड स्टेप में क्या था ऐड या सबट्रैक्ट, और थर्ड स्टेप में था जब एक्स या तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग पुट करके जो बचे हुए वेरिएबल है उसके वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड ये था। हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, पर हम लोगों को इजी होगा सेकेंड इक्वेशन में पुट करना। तो सेकेंड क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू एम दिया गया है, x का वैल्यू हम लोग पुट करें m प्लस एन प्लस वाई इज इक्वल टू टू एम, यहां तक क्लियर। y इतना ही रह जाएगा लेफ्ट साइड, बाकी जो टर्म बच गए वो राइट साइड चले जाएंगे। तो 2m प्लस m है तो इधर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, प्लस n है तो इधर जाएगा तो माइनस m, और यहां पर हो गया 2m में से m जाएगा तो बच जाएगा m और यहां पर माइनस m, तो y का वैल्यू मिल गया m माइनस m और x का वैल्यू मिल गया m प्लस m। तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में वन टाइम पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।